काफी समय पहले से यूपी में दो नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही है। ये नेता आए दिन एक दूसरे पर टिप्पणी करते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की। दोनों के बीच राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल ही में दिया हुआ बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया कि 100 विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी उन्हें सीएम बना देगी। अब इस ऑफर के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख पर तीखा हमला किया है। क्या कहा है, आप भी सुनिए। हमें से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था, लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं हैं, वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं हैं कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मनसा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हुई।